तो देखिए ये कस्टर्ड केक बनकर तैयार है, एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है। और आप देखिए कितना सॉफ्ट बना, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी। एक एक बाइट इसका बहुत ज़बरदस्त बन जाता है, बहुत ही टेस्टी बन जाता है ये कस्टर्ड केक। ना इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है, ना बेकिंग सोडा है, ना दही है, बस कुछ ही इंग्रेडिएंट में ये बनकर तैयार हो जाता है। हे एवरीवन, मैं हूँ मधुरा एंड वेलकम टू मधुराज रेसिपी। आज हम बनाएंगे एक ग्लेज सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी कस्टर्ड केक। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 चम्मच मैंने टूटी फ्रूटी ली है, इसमें डालेंगे बस आधा चम्मच मैदा और ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, टूटी फ्रूटी है जो केक टिन के बेस में सेटल नहीं हो जाती, वो अच्छे से स्टिक हो जाती है बैटर के साथ। तो ये स्टेप ज़रूरी है। अब एक बोल में डालेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी। तो 3/4 कप मतलब एक कप का अगर मेजरमेंट है तो 1 कप से थोड़ा कम और आधे कप से थोड़ा ज़्यादा। अगर आप कप का मेजरमेंट नहीं लेना चाहते, कटोर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसमें डालेंगे सेम प्रपोर्शन दूध, 3/4 कप दूध, उसी के साथ थोड़ा सा फूड कलर ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो, और 1/4 कप तेल। तेल की जगह आप यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट बटर। तो ये पहले अच्छे से क्विकली मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स होने के बाद इसमें हम डालेंगे, एक स्ट्रेनर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप मैदा और उसी के साथ 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। तो ये वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। ये दोनों पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सुपर। और अब ये छान लेंगे इस बैटर में। और ये भी कर लेंगे क्विकली मिक्स। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी हिंदी यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। तो ये बैटर यहाँ पर बनकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अगर आपको चाहिए तो 1-2 ड्रॉप आप वैनिला के इसमें डाल सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड पाउडर में वैनिला फ्लेवर है तो मैं स्किप कर देती हूँ। और सबसे लास्ट इसमें डालेंगे 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट और वो एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी इसके ऊपर। हम जब बैटर बना रहे थे तो इसमें हमने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है। तो इनो फ्रूट सॉल्ट है ना, ये कॉम्बिनेशन रहता है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का, तो दोनों चीज़ें अलग से डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और बहुत समय क्या होता है ना, बेकिंग पाउडर इजीली अवेलेबल नहीं रहती, लेकिन इनो फ्रूट सॉल्ट तो मिल जाता है केमिस्ट के स्टोर में। अगर आपको बेकिंग पाउडर और सोडा डालना है तो 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून खाने का सोडा, मीठा सोडा आप इसमें डाल सकते हो। ये अब क्विकली कर लिया है मिक्स। अब ये जो टूटी फ्रूटी हमने रखी थी ये डालेंगे इसमें, थोड़ी सी मैं बचा लेती हूँ गार्निश के लिए। और ये भी कर लेंगे फोल्ड। अब यहाँ पर मेरे पास है केक टिन, बेकिंग टिन। तो ये 6 इंच का टिन है, मैंने बटर पेपर ऑलरेडी लगा के लिया है। अगर आपको चाहिए बटर पेपर नहीं अवेलेबल तो आप तेल लगाकर उसमें थोड़ा सा मैदा डालकर डस्ट कर ले सकते हैं, तो फिर बटर पेपर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये जो बची हुई टूटी फ्रूटी ये ऊपर से गार्निश कर लेंगे। और ये टिन है ना, ये 4 से 5 बार कम से कम अच्छे से टैप कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर कुछ एयर बबल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे और केक जब हमारा बेक होता है तो वो एक जैसे राइज होगा।
ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ली है कढ़ाई। कढ़ाई मैंने मीडियम हीट पर 7 से 8 मिनट तक गर्म कर ली है। अब इसके बेस में अगर आपको चाहिए तो एक नमक का लेयर डाल सकते हो, लेकिन मैं स्किप कर देती हूँ। तो बेस में जाएगा ये स्टैंड, स्टैंड के ऊपर जाएगा ये बेकिंग ट्रे। अब बहुत बार ऐसे होता है ना, जब कोई भी हम केक या फिर ब्रेड बेक करते हैं तो ऊपर से उसे कलर नहीं आता। तो क्या होता है ना, हम कढ़ाई या कुकर में बेक करते हैं तो ऊपर की साइड से इसे हीट जनरेट नहीं होती, तो ऊपर का लेयर वैसे ही रॉ दिखता है। तो ऊपर से भी अच्छे से कलर आने के लिए कोई भी तवा आप ले सकते हैं, वो गरम करना, हाई हीट पर गरम कर इसे ढक दें। और अब मैं इसे मीडियम हीट पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। तो यहाँ पर केक मैंने 35 मिनट्स के लिए मीडियम हीट पर बेक किया। उसके बाद 10 मिनट ये टिन कढ़ाई में ही था, गैस बंद हो चुका था। गैस बंद करने के बाद 10 मिनट कढ़ाई में था। तो आप ये पैन निकाल लेंगे। वाह, देखिए सुपर। तो ये हमारा केक अच्छे से फूल चुका है। टूथपिक डालकर देखते हैं, ये क्लीन आ रहा है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे और आधे से पौना घंटा पूरा ये जब तक ठंडा नहीं होता तब तक रख देंगे। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब एक नाइफ लेंगे और इसके एजेस है ना, ये अच्छे से लूज़ कर लेंगे। तो एजेस लूज़ कर देना, सबसे ज़रूरी बात है कि नीचे के साइड, टिन के जो नीचे का पोर्शन है वहाँ से अच्छे से लूज़ कर ले, क्योंकि साइड्स तो एनीवेज रिलीज़ हो जाते हैं लेकिन नीचे कभी कभी वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। तो नीचे की साइड से अच्छे से घुमा कर लेना नाइफ से, बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट के ऊपर। लवली, क्या बात है, देखिए अच्छे से निकल आ चुका है। और इसका स्पॉन्ज देखिए, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है ये केक। सुपर, एकदम बढ़िया दिख रहा है। तो ये तो टी टाइम केक है। ये अगर आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं 4 से 5 दिन अच्छे से ये रह जाता है। रेसिपी अच्छी लगी तो यूट्यूब पर मधुराज रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। मधुराज रेसिपी।